को ये महसूस करा दूं कि वाकई में ही एक देश की किसान महिला इस लायक है कि मैं उनको अपने पास बुला सकूं, उनसे मिल सकूं और इस विषय में कृषि से संबंधित कुछ बातें उनसे कर सकूं। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 20 अक्टूबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर फिल्म कार्निवाल का किया गया इनाकाद। श्रीनगर की ईरा बख्शी ने मार्शल आर्ट्स में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया अपना नाम। और मैरीगोल्ड की काश से काश्तकारों की आमदनी में हो रहा जबरदस्त इजाफा। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म फेस्टिवल की। जम्मू कश्मीर में फिल्मों से जुड़ी सरगर्मियां कोई नई बात नहीं है। यहां अक्सर अलग अलग सकाफत और जुबान की फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। इसके अलावा यहां वक्तन फवक्तन फिल्म फेस्टिवल्स की गहमा गहमी भी बनी रहती है, जिसमें लोगों को, खासकर मकामी नौजवानों को, फिल्मों के जरिए फिल्म बनाने की टेक्निक को जानने और समझने का मौका मिलता है। इसी सिमत में हालिया दिनों श्रीनगर में जम्मू कश्मीर फिल्म कार्निवाल का किया गया इनाकाद। इसी पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर फिल्म कार्निवल, जो मकामी कश्मीरी फिल्मों के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है, इस बार आईनॉक्स थिएटर श्रीनगर में मुनक्किद किया गया। ये फेस्टिवल महज फिल्म नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की सकाफत का जश्न था। मकामी फिल्म साजों के कामों की नुमाइश करके ये तकरीब इन्हें अपनी दास्तानें और नुक्ते नजर पेश करने का मौका फराहम करती है, जो अक्सर मुनफरिद तजुर्बात और तारीखों में डूबे होते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि फिल्म बनाकर बाद में उसको स्क्रीन करने की, और जो मीनिंगफुल सिनेमा होता है उसके लिए उसको सीन स्क्रीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये फेस्टिवल एक प्लेटफॉर्म है ऐसे यंगस्टर्स के लिए या फिर ओवरऑल फिल्म मेकर्स के लिए, जो कि ऐसी मीनिंगफुल फिल्म बनाएंगे तो वो दिखा सकते हैं, ये ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। ये अभी आप समझ लीजिए, अभी जब अनाउंस हुई कि मेरी फिल्म यहाँ चल रही है तो कम से कम 10-12 लोगों ने मुझे कहा कि यंगस्टर्स नहीं कि हम भी फिल्म बनाना चाहेंगे, आप हमें गाइड करो, वो करो, ये करो, कैसे बाद में चलेगी। और 2-3 ने तो ये भी कहा कि हमने बनाई है तो हमें अब सेंसर सर्टिफिकेट करनी है तो उसका प्रोसीजर बताओ। तो वो तो डेफिनेटली ये यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी। जम्मू कश्मीर में फिल्म कल्चर को फरोग देने और ज्यादा से ज्यादा मकामी नौजवानों को इसमें शामिल करने और उनके अंदर छिपे हुनर को सामने लाने के लिए थिएटर कल्चर को काफी फरोग दिया जाता है। साथ ही उसके लिए वक्तन फवक्तन वर्कशॉप का भी एहतमाम किया जाता है, जहां नौजवानों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह की तरबियत दी जाती है, जिससे उनकी स्किल डेवलप तो होती ही है, इसके अलावा उनमें जो भी कमी होती है वो दूर हो जाती है। फिल्में तो यहाँ बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो फिल्में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन फिल्मों को शोकेस करना, उन्हें दिखाना, उनकी स्क्रीनिंग करना बहुत मुश्किल महसूस होता था। फिर मैंने इनॉक्स के साथ बात हुई और इन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन करके हमें ये अलाउ किया, स्पेशली दर साहब ने, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस इनिशिएट को और कहा कि हमारी रीजनल इंडस्ट्री नो डाउट बननी चाहिए। तो फिर मैंने कई लोगों को, फिल्म मेकर्स को दावत दी, उनकी फिल्में ली
और इसमें दो फिल्में तो मेरी अपनी हैं, लाइंस और कश्मीर डेली। यही मेरा मकसद भी है कि 72 क्रिएशंस का ये मकसद है कि यहाँ के लोकल एक्टर्स जो है उनको भी लाइमलाइट में लाया जाए और उनको भी बताया जाए कि उनको लोगों को बताया जाए कि हमारे पास भी टैलेंट है। बरसों से फिल्मों को मुआशरे की तहजीब, फन और सकाफत और लोगों के आपसी रिश्तों के ताने बाने की अक्कासी करने का बेहतरीन जरिया माना जाता रहा है। मकामी नौजवानों की फिल्म साजी के तहत बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए नौजवानों को फिल्म मेकिंग कोर्स भी करवाया जा रहा है, जिसका मकसद नौजवान फिल्मकारों को फिल्मों और टीवी से जुड़ी तमाम मालूमात से रूबरू करवाना है। इसके सबब तालिब इल्मों को सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, एक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग और एक्टिंग के बारे में जानने का मौका मिलता है और ऐसे होने वाले फिल्म कार्निवल के जरिए वो अपने हुनर को सबके सामने लाते हैं। एक आर्टिस्ट का जो उसको बोलते हैं ना कि कहावत या परखना, तो ये उसके लिए एक कहावत का काम करती है कि एक आर्टिस्ट का हुनर क्या है, और जब कुरेते हैं, जब खोलते हैं तो एक नया टैलेंट सामने आता है। इसलिए मैं एक बार फिर अपने फिल्म मेकर से, अपने दर्शकों से, अपने देखने वालों से गुजारिश करता हूँ, ये फिल्म बनाएंगे और हम देखेंगे, हम भी काम करेंगे और अपने देखने वालों का दिल खुश करेंगे। जम्मू कश्मीर में थिएटर कल्चर की शानदार तारीख रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट हैं, उनकी सलाहियत को फरोग मिले इसकी दरकार है। यहाँ मुनक्किद होने वाले थिएटर प्रोग्राम इसमें मददगार साबित हो रहे हैं, ताहम उन्हें बड़ा प्लेटफॉर्म मिले और उनकी फनी सलाहियत को दुनिया के सामने लाया जाए, इस लिहाज से भी फिल्म कल्चर को यहाँ फिर से बहाल किए जाने की दरकार है। इस सिमत में कोशिशें शुरू हो गई हैं और मुस्तकबिल में इसके बेहतर रिजल्ट बरामद होंगे। अब आपको मिलाते हैं श्रीनगर के बेमिना इलाके से ताल्लुक रखने वाली ईरा बख्शी से, जिनकी मार्शल आर्ट के तय कमाल की दिलचस्पी है। महज 8 साल की उम्र में इन्होंने मार्शल आर्ट खेलना शुरू किया और कई कामयाबियों को अपने नाम किया। छोटी सी उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल करने का क्या है फलसफा और इसे किस तरह से हासिल किया जा सकता है, इसे ये अच्छी तरह से जानती हैं। यही वजह है कि आज इनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। इन्हें मिली मुख्तलिफ एजाज इनकी कड़ी मेहनत, लगन और मार्शल आर्ट के तय इनके जुनून का सबूत है। आइए मिलते हैं और जानते हैं इनकी सफलता का क्या है राज, जिसे बाकी के बच्चे भी तरकीब हासिल कर सकते हैं। आइए मिलते हैं ईरा बख्शी से। ईरा, आप मार्शल आर्ट खिलाड़ी है, अपनी इस कामयाब सफर के बारे में हमें बताएं। मैं जब 8 साल की थी तो मैंने अपना पहला मैच खेला, पहला नेशनल खेला देहरादून में, तो वहाँ से मेरी मार्शल आर्ट की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई। मैंने देहरादून में खेला है नेशनल, मैंने दिल्ली में खेला नेशनल, MP में खेला और मुंबई में मैंने इवन इंटरनेशनल भी खेला है। तो अभी तक मेरी जर्नी यहाँ पहुँची है मार्शल आर्ट्स में कि मैं एज ऑफिशियल अब जा रही हूँ मार्शल आर्ट्स में और मैं सेलेक्ट भी हो गई हूँ एज ऑफिशियल मार्शल आर्ट्स में। तो मैंने बहुत डिस्ट्रिक्ट्स भी खेले और स्टेट्स भी खेले और उन मैं गोल्ड मेडल भी लाए। आपने नेशनल लेवल के टूर्नामेंट कहाँ कहाँ खेले हैं? बात आती है मैंने नेशनल्स कहाँ पे खेले। मैंने नेशनल्स खेले है देहरादून में, मैंने दिल्ली में नेशनल खेला, मैंने MP में नेशनल खेला और इवन मैंने श्रीनगर में भी नेशनल खेला है। प्रैक्टिस मैंने बहुत की थी इनके लिए और बहुत सपोर्ट मिला था मेरे को और इसीलिए मेरे को डेडिकेशन भी बढ़ गई और फिर मैंने नेशनल्स खेले। अच्छा, ये बताएं आपकी इस कामयाबी में आपके घर वालों का और कोच का कितना सपोर्ट रहा है? तो मेरा सपोर्ट जो है, मेरे फादर ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में और एनकरेज किया है मेरे को बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज़ में। और टॉकिंग अबाउट माय कोचेस, जो हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है और उनका जो HOD है उमर सर, उन्होंने और शहनवाज सर जो मेरे कोच हैं, उन्होंने मेरे को बहुत डेडिकेट किया है और मेरे को बहुत एनकरेज किया है और उनकी वजह से मेरे को डेडिकेशन भी बढ़ गई और स्कूल में जो अप्रिसिएशन मेरे को मिलती थी हर टाइम, जब भी मैं कुछ जीत के आती थी उस वजह से भी मेरे को बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिलती थी और मैं चाहती थी कि मैं और खेलूं। ईरा, एक लड़की होने के नाते मार्शल आर्ट की जानकारी होना कितना जरूरी है?
एज अ गर्ल मैं बात करूँ मार्शल आर्ट्स में, मेरे को तो अपने हिसाब से बहुत कंफर्टेबल गेम लगी है ये। और बात करें कि कैसी खेले जाती है, इसमें जो होता है इसमें दो प्लेयर्स होते हैं, वन इज फ्रॉम ब्लू ब्लू साइड एंड एक रेड साइड से होता है। तो फिर पंचेस मारनी होती है, किक्स मारनी होती है, अकॉर्डिंग टू गेम में क्या रूल्स होंगे दिए जाते हैं वैसे हमें करना होता है। और वहीं पर हमें पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे अगर हम पंच करेंगे किसी को तो उसका पॉइंट मिलेगा, किक मारेंगे तो उसका पॉइंट मिलेगा। तो वैसे ही जिसको ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा। और इसके बीच में एक रेफरी होता है एज एन ऑफिशियल जो होता है, और चार कॉर्नर्स पे भी ऑफिशियल्स होते हैं। तो वो फिर रिकॉर्ड देखते हैं कि किसको कितने ज्यादा पॉइंट्स मिले, तो उसी हिसाब से फिर जीत जाते हैं। इस गेम में एक अहम मुकाम हासिल करने में आपका संघर्ष कैसा रहा? स्ट्रगल की बात करूं तो स्ट्रगल तो मैं उतना नहीं बोलूंगी कि उतना स्ट्रगल रहा, बट बहुत हार्ड वर्क लगी, क्योंकि अभी मेरी जितनी भी एज है सिंस 8 ईयर्स आई वॉज प्लेइंग दिस, और अभी तक मैंने बहुत सारे मैचेस खेले, और उनमें फिर मेडल्स लाना ही बहुत ज़्यादा टफ होता है, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें, और उनसे कम्पीट करना ये भी टफ होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हार्ड वर्क लगती है और डेडिकेशन भी होनी चाहिए इसके लिए। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि मेरे लिए थोड़ा हार्ड वर्किंग रहा, और स्ट्रगल मैं नहीं बोलूंगी उतने स्ट्रगल किए मैंने, बट हार्ड वर्किंग रहा, क्योंकि ये इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम रजिस्टर कराने में बहुत टाइम लगा मेरे को, सिंस आई वॉज प्लेइंग दिस जब मैं 8 साल की थी। इरा, आप जम्मू कश्मीर की लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? तो मेरी यही मैसेज रहेगी हर एक के लिए, और अगर आप बोले खासकर गर्ल्स के लिए, तो मेरी यही मैसेज रहेगी कि हर कोई इस गेम्स में पार्टिसिपेट करे और आए आगे, अपना अपने आप को प्रूव करे। और अभी जो बहुत सारी एडिक्शंस है बाहर, जैसे ड्रग्स है, और उनसे दूर होके अगर इंसान इंडल्ज रहेगा स्पोर्ट्स में, तो इन सारी एडिक्शन से बच सकता है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम स्पोर्ट्स खेलें और इसमें अपना करियर बनाएं। इरा, आप यूं ही कामयाबी का सफर तय करें, यही हमारी दुआ है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। दुबई की नर्सरियों में से एक में बच्चों का इस्तकबाल एक रोबोटिक कुत्ते के जरिए किया जाता है, जो शुरुआती तालीम के लिए एक इनोवेटिव अप्रोच का हिस्सा है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड से जोड़ा गया है। फ्रेंडली अर्ली चाइल्डहुड सेंटर में एआई से चलने वाले चंचल साथी के साथ अपने दिन का आगाज करने के बाद बच्चे क्लासों और सरगर्मियों में शिरकत करते हैं। बहुत सी क्लासों के दरमियान जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यंग माइंड्स की परवरिश के लिए किया जाता है। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, सैंड बॉक्स और फर्श का इस्तेमाल करते हुए ऐसी हाईटेक मशीनों में नर्सरी की सरमायाकारी सस्ती कीमत पर नहीं आती, क्योंकि सालाना फीस 80,000 AED तक पहुंच जाती है। एक इलेक्ट्रिक हाइड्रोफॉयल कश्ती ने स्टॉकहोम और बाल्टिक आइलैंड ऑलैंड के दरमियान 24 घंटे के अंदर 420 समुद्री मील की दूरी तय करके एक नया मील का पत्थर साबित किया है। कैंडला C8 फॉयलिंग क्राफ्ट ने एक दिन में इलेक्ट्रिक बोट की जानिब सबसे लंबी दूरी तय करने का नया आलमी रिकॉर्ड बनाया है। इससे कबल पिछला रिकॉर्ड 20 घंटे में 79 समुद्री मील का था। 24 घंटे की जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड 17 नॉट थी, जिसमें चार्जिंग ब्रेक भी शामिल है। चिली की फौजी परेड ने एक दिलकश मोड़ लिया, जब वर्दी पोश कुत्तों ने सिपाहियों के साथ मार्च करते हुए तमाशाइयों का दिल जीत लिया। सालाना फौजी परेड के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किद इस प्रोग्राम में मुल्क की पुलिस फोर्स के कैनाइन यूनिट की नुमाइश करता है, जो मंशियात और धमाका खेज मवाद का पता लगाने में अपनी गैर मामूली तरबियत और महारत के लिए जाना जाता है। मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों पर मुहित 65 कुत्तों का एक काबिले जिक्र जोड़ा फख्र के साथ मार्च कर रहा था। ये दिलकश कुत्ते परेड में अपनी बा एतबार कारकर्दगी को यकीनी बनाते हुए हुजूम और शोर से खुद को हम आहंग करते हुए सख्त तरबियत से गुजरते हैं।
अब बात करते हैं मैरी गोल्ड की काश्तकारी की। जम्मू कश्मीर में काश्तकारी में जदीद तरीन तब्दीलियों और मुख्तलिफ तरह के क्रैश क्रॉप्स के जरिए मकामी लोगों की आमदनी में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। इसकी मिसाल इन दिनों जम्मू कश्मीर के बदरवाह के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही मैरी गोल्ड की काश्त से मिल रही है। मैरी गोल्ड यानी गेंदा फूल की काश्त में लोगों को कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिल रहा है। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर का भद्रवाह खित्ता न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि अब यहाँ के काश्तकार मैरीगोल्ड के फूलों की काश्त के जरिए नई खुशहाली का तजुर्बा कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान देवी के आशीर्वाद से न सिर्फ इन काश्तकारों को बेहतर कीमतें मिली हैं, बल्कि उनके खानदानों के लिए नए इक्तिसादी इम्कान के दरवाजे भी खुले हैं। यही वजह रही कि गजोत पंचायत के किसान अब रिवायती मक्के और धान की खेती छोड़कर बड़े पैमाने पर मैरीगोल्ड के फूलों की काश्त कर रहे हैं। इस तब्दीली ने 500 से जायद खानदानों की किस्मत बदल दी है। हम पहले मक्कियाँ लगाते थे, तब हमें कोई भी नहीं मिलता था कुछ भी। जब से हमने ये फूल लगाने स्टार्ट किए हैं, तब से हमें बहुत कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं फूलों से। और जब ये नवरात्रे चल रहे हैं, इन नवरात्रों में हमने ये फूल रखे हैं। ये फूल हैं, ये होते हैं जम्मू में भी, यहाँ की डिमांड ज़्यादा होती है, वहाँ पे वो कम बनते हैं, यहाँ पे ज़्यादा होते हैं इस टाइम फूल हमारे इधर भद्रवाह में। काबिले गौर है कि त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है, ऐसे में भद्रवाह के फूलों की डिमांड कई गुना बढ़ जाती है। इस बरस काश्तकार जम्मू के मंदिरों में रोजाना 100 क्विंटल मैरीगोल्ड के फूल सप्लाई कर रहे हैं। ये वो वक्त होता है जब मैदानी इलाकों से सप्लाई बंद हो जाती है और भद्रवाह की ठंडी आबोहवा में पीले रंग के फूल खिलने लगते हैं। इस खास मौसम में भद्रवाह वाहिद सप्लायर बन जाता है जो मंदिरों की पूजा के लिए जरूरी फूल फराहम कराता है। भद्रवाह खास करके हमारे इस गाजोट एरिया में काफी फूलों की सप्लाई होती है और लोग जो है यहाँ से मंडी में फूल भेजते हैं और आज रेट भी काफी अच्छा मिल रहा है। तो अगर हमारे यहाँ ये फूल नहीं होता तो शायद ये जो हमारी जम्मू पूजा के लिए जो फूल लगता है तो उसकी पूर्ति ना होती अगर हमारे इस एरिया में फूल ना बनता। मैरीगोल्ड की पैदावार बुनियादी तौर पर रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है जो कि तकरीबन 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है। इसका इस्तेमाल पूजा, सजावट और मुख्तलिफ तकरीब में किया जाता है। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल बागवानी और मेडिकल प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। इसकी काश्त से काश्तकारों को अच्छा मुनाफा मिलता है। फी एकड़ पैदावार आमतौर पर 1000 से 1500 किलोग्राम तक होता है। काश्तकार अब इस फसल को एक उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं जो उन्हें एक पायदार और मुनाफा बख्श मुस्तकबिल की तरफ ले जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा हमें ये फ्लोरिकल्चर वाले भी अच्छे सीड टाइम का दे रहे हैं, अच्छा हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, सारा सिस्टम ठीक ही है। नवरात्र में जैसे दिल्ली से आता, लेकिन वो दिल्ली वाला लेट आएगा अभी, तो अभी हमारा ही चलता भद्रवाह का जो भी है इधर ही से चलता फूल। नवरात्रों के लिए अच्छा रेट भी अच्छा मिलता है लोगों को। ये जो फूल माता के चरणों में चढ़ रहा तो माता का भी आशीर्वाद है, उसके बाद ये फूल वहाँ पर भी चढ़े उनके चरणों में तो हमें भी खुशी की बात है, उसमें हमें भी बहुत फायदा हो रहा है, तो बाकी हमारा भी गुजारा हो रहा है लोगों का, बाकी कहीं भी नहीं है, यहाँ यहीं हमारे इलाके में ये फूल बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने के मंसूबे को ग्रास रूट लेवल पर यकीनी बनाने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। मुख्तलिफ देही इलाकों में तैयार अलग अलग कैश क्रॉप्स को बाजारों में फरोख्त करके काश्तकार अपनी आमदनी बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं और अब इस कड़ी में भद्रवाह के किसान भी शामिल हो रहे हैं।
आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। सेक्रेटरी आरडीडी पीआर मोहम्मद एजाज असद, जम्मू कश्मीर में 277 स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना के पेशरफ्त का जायजा लिया। टॉयलेट और मरम्मत समेत बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए 6.18 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। अमल को तेज करने के लिए बरवक्त मंजूरी और टाउन पर जोर दिया। आरएसपुरा साउथ असेंबली हलके के वोटरों ने पहली बार वोट डालने के बाद जमहूरियत के लिए जोशो खरोश का मुजाहरा किया। 10वीं यूटी कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप श्रीनगर के पाखरी बल लेक श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें कश्मीर डिवीजन के 2 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। ये तकरीब नौजवान टैलेंट को प्रमोट करती है और कश्मीर में एक एक्टिव लाइफस्टाइल को फरोग देती है। कश्मीर के दिलकश मनाजिर की तरह पेपर माशी इंसानी फन का बेहतरीन नमूना है। इसकी पेचीदा तफशीलात और मुतर्रिक रंग इस इलाके की खूबसूरती का आईनादार है, जिसे घर कहते हैं। क्या आपने कभी कश्मीरी पेपर माशी देखी है? डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन इंदरबाल और नागसेनी ने जल शक्ति मुहिम के तहत बेदारी मुहिम चलाई, कैच द रेन इनिशिएटिव। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के आवाम को मिल रही तिब्बी सहूलियात की। साथ ही दूर दराज इलाकों में तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के मद्देनजर की जा रही कोशिशों की। जम्मू कश्मीर के मुश्किल ज्योग्राफियाई बनावट वाले दूर दराज इलाकों में लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए वक्तन फवक्तन मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाता रहा है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों राजौरी जिले के मंजाकोट ब्लॉक के उन इलाकों में जहां लोग इन बुनियादी सहूलियात से महरूम थे, वहां तिब्बी महकमा की जानिब से हेल्थ मोबाइल यूनिट टीम ने पहुंचकर लोगों का चेकअप किया। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राजौरी जिले का मंजाकोट ब्लॉक, जो अपनी कुदरती खूबसूरती और सकाफती तनवू के लिए जाना जाता है, अब सेहत की खिदमात में भी एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंजाकोट की निगरानी में महकमा सेहत गरीब मरीजों को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम कर रहा है। इस मोबाइल मेडिकल सर्विस का मकसद सरहदी इलाकों में सेहत के चैलेंजेस से निपटना है। इसमें हम ये मेन फैसिलिटीज है कि जो जनरल ओपीडी यानी लोगों को एक हेल्थ स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस देना, प्लस ऑन स्पॉट टेस्टिंग, और अगर हमें लगे कि रेफरल वगैरह की ज़रूरत है किसी पेशेंट को, उसको उसी हिसाब से एडवाइस करते हैं आगे जाए। इसमें यह है कि एक तो हमारे ये एनसीडी स्क्रीनिंग वगैरह होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह जो है उसमें हमारा हाइपरटेंशन आता है, एनीमिया वगैरह आते हैं, तो और ट्यूबरक्लोज की टीमें हमारे साथ होती हैं, वो भी देती हैं अपनी अवेयरनेस। अगर उनको लगे कि कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसको जो ऑलरेडी दवाई खाता है, कि उसको और फर्दर एडवाइस करते हैं, या अगर किसी को लगता है कि उसको जांच करनी है, उसको मजीद हम उसको टेस्ट के लिए आगे बुलाते हैं, ट्रूनाट वगैरह के लिए। इन मोबाइल मेडिकल कैंपों में डॉक्टरों की टीम और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल होते हैं। वो मोबाइल वैन के जरिए गाँव में घूमते हैं, जहाँ जरूरतमंद मरीजों का मुआयना किया जाता है। इस इकदाम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मरीजों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह उनका वक्त और पैसे दोनों की बचत होती है। इस तरह के इकदाम की वजह से सरहदी इलाके के लोगों की खुशी उनके चेहरों पर साफ नजर आती है। बॉर्डर एरिया है पूरा ही, तो इसमें मेडिकल इधर हो रहा है, तो इससे पहले कहीं में इधर को आया नहीं है मेडिकल का के लिए, तो ये आज डॉक्टर साहब आए हैं, तो दूर दूर से आदमी आ रहे हैं, तो ये देखभाल कर रहे हैं, अच्छी अच्छा अच्छा अच्छी तरह से क्या करते हैं, मशीनें ला रहे हैं, वो मेडिकल बीपी भी तो चेक करते हैं, तो हर तरह की दवाई है, जो जो बीमारी है उस तरह की दवाई मिल रही है, स्केलिंग वगैरह होती रही है, लेकिन मेडिकल ये पहला चांस है, अच्छे डॉक्टर आए हैं, तो दवाई का इंतज़ाम हुआ है, तो ऐसे ही मतलब है, अच्छे हमारे लिए अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, अच्छी हिफाजत होनी चाहिए, तो ऐसे हमारा फिर ठीक है।
दवाइयाँ भी दी गई हैं, चेक भी करवाया, वो मशीन जो थी वो बीपी लो है ना, बीपी चेक भी किया, सब कुछ किया है। यहाँ मशीनें आई हुई थी, गाड़ी भी आई हुई है, तो इस वजह से चलो हम पहली बार हुआ है, बहुत खुश हैं। हेल्थ मोबाइल यूनिट टीम का मकसद राजौरी के दूर देही इलाकों और ट्राइबल इलाकों में रहने वाले उन लोगों तक पहुंचना है जिन्हें इस तरह की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं हो पाती। महकमे की ये कोशिश रहती है कि इन देही इलाकों में महीने में तकरीबन 20 कैंप लगने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सकें, क्योंकि सरहदी इलाकों में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ इससे कबल लोगों को इस तरह की सहूलियात नहीं मिल पाती थी। तकरीबन 50 से 60 पेशेंट देखे गए यहाँ पे, बच्चे, बुजुर्ग और फीमेल्स। तो मेरा ये मानना है कि जो ये बॉर्डर एरियाज जो हैं, थोड़ा फॉर फ्लंग एरियाज हैं, और इनमें हेल्थ की जो है काफ़ी ज़रूरत है सर्विसेज की, और उसी के तहत ये जो हम वक्तन फ़क्तन जो है मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, उसी की कड़ी ये आज थी। और मुझे खुशी है कि सीएमओ ऑफिस से जो एमएमयू टीम आई थी और जो हमारी आरबीएस की टीम, तो इन्होंने अच्छे से ये काम अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में बेहतर तिब्बी सहूलियात हर किसी को फराहम हो, इसे लेकर हुकूमत कोशा है। इसी लिहाज से तमाम अस्पतालों को जदीद तरीन सहूलियात से लैस किया जा रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट कायम किए जा रहे हैं और डॉक्टरों की तादाद बढ़ाई जा रही है। इससे बड़ी तादाद में बीमारों का इलाज आसानी से हो पा रहा है। तिब्बी सहूलियात बुनियादी सहूलियात में से एक है और हर कोई इससे मुस्तफिद हो, इसके लिए लोगों को गोल्डन कार्ड मुहैया कराए जा रहे हैं। इसमें 5 लाख तक के इलाज की सहूलियत दी गई है और इससे गरीब लोगों के लिए इलाज कराना और भी आसान हो गया है। यहाँ पर बहाल सहूलियात से लोग मुतमईन नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।